जी जी पूर्व में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम लोग की बात हुई थी, उसमें एक समस्या आया था हम लोग के यहाँ कि सत्याग्रह की शुरुआत गौनाहा से हुआ था, बिथियारवा आश्रम से, लेकिन नरकटियागंज से भिखना ठोरी रेलवे लाइन आज लगभग 10 साल से ट्रेन वहां बंद है और वहां अमान्य परिवर्तन का काम चल रहा है। लगभग 40-45 किलोमीटर का रेलवे लाइन है, अभी तक वो बंद है। आपसे आग्रह है फिर कि उसमें धन निचले स्तर पे पता करने पर पता चलता है कि धन के अभाव में काम रुका हुआ है, तो बहुत माइनर काम बाकी है। अगर धन उपस्थित उपलब्ध हो जाता तो काम हम लोग का बहुत आसानी से हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है गांधी जी का और सत्याग्रह का धरती है वो जगह। दूसरा कि 2004 के पहले जब अमान्य परिवर्तन नरकटियागंज जयनगर दरभंगा का शुरू हुआ तो 6 जोड़ी ट्रेनें नरकटियागंज से दरभंगा जयनगर के लिए चलती थी, वो ट्रेनें बंद है और अपने ही सरकार में वो काम पूरा भी हुआ लेकिन अभी तक ट्रेन सुचारू रूप से नहीं चल सका। इसलिए आपसे आग्रह है कि नरकटियागंज से जयनगर दरभंगा का ट्रेन चालू करवा दिया जाए, कम से कम इस वित्तीय वर्ष में चालू हो जाए। और कोविड के चलते नरकटियागंज मुजफ्फरपुर और नरकटियागंज गोरखपुर रेलवे लाइन का जो पैसेंजर ट्रेनें थी वो बंद है, जिसके चलते बस वाले लोग मनमाना पैसा वसूल कर रहा है और आम आवाम को बड़ी कष्ट हो रहा है और बिहार में अब कोविड का कोई असर नहीं है। इसलिए आपसे आग्रह है कि कम से कम पैसेंजर ट्रेन चालू कर दिया जाए। एक और आग्रह पिछला बार मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में किया था कि माता सीता के जन्म धरती से अयोध्या भगवान राम के जन्म धरती तक एक ट्रेन चलाने की, दो प्रदेश का मामला है, माता जानकी बिहार सीतामढ़ी से और उत्तर प्रदेश से भगवान राम अयोध्या से, और ये ट्रेन सीतामढ़ी से होते हुए रक्सौल सिकटा नरकटियागंज बगहा होते हुए अयोध्या अगर जाता तो बहुत बड़ा एक आस्था का केंद्र है हम सब लोगों के लिए, बहुत बड़ा उपलब्धि होता है रेल सरकार का। दूसरा कि मैं आपको बधाई और धन्यवाद दूंगा कि आपने बिहार में बहुत अच्छा अच्छा काम किया। एक नरकटियागंज से दरभंगा के लिए आपने इधर दोहरीकरण के लिए जो आपने प्रपोजल स्वीकार कर लिया है और डीपीआर बनाने का आदेश दे दिया है, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक नेपाल से और चंपारण और उत्तर बिहार के लोगों के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है। हमारे तरफ से रेल सरकार को और रेल खास करके आपको बहुत बहुत बधाई है कि आप इतना अच्छा काम इस कोविड-19 के बीच में भी करने का काम किए हैं। इसके लिए जितना भी बधाई दिया प्रशंसा किया जाए कम है, लेकिन ये 2-4 मांगे जो हमारी है इसको एकदम महत्वपूर्ण समझ के पूरा करवाया जाए। और एक और मामला है, दो प्रदेश को जोड़ता है छितौनी टू तमकुही रेलवे लाइन, 2007 में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी ने शिलान्यास किया था और 2014 में अपनी सरकार ने उसमें धन दिया था, लेकिन फिर इधर काम बहुत गति में नहीं है और धन के अभाव में अभी रुका हुआ है। आपसे आग्रह है कि दोनों रेलवे लाइन जो बाकी है, भिखना ठोरी और छितौनी से तमकुही रोड, इसमें धन उपलब्ध करवा के इस काम को गति दिया जाए। चंपारण के लोग आपके बहुत बड़ा अभिवादन करेंगे, स्वागत करते हैं, आप पे आस्था व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।